प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए का पहला देखते हैं। तो गुणनफल हमको करना है तो दो तिया छः यानी माइनस का छः, देखिए प्लस माइनस माइनस, दो तिया छः और यक्स, यक्स की घात कितना हो गया, दो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितना हो गया एक्स क्यूब। और वही पर देखते हैं एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, यानी घातें जो होती हैं जुड़ जाती हैं गुणा में। अब देखते हैं यहाँ अगर इसकी गुणा करेंगे तो 11 पच्चे 55, पहले अंकों की गुणा हो जाती है फिर यक्स वाई जेड लिखे जाते हैं, यक्स है वाई है जेड। तो यक्स तो सिंगल है क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। वाई देखते हैं दो यहाँ पर है एक यहाँ पर, वाई क्यूब हो गया और जेड दो यहाँ पर एक यहाँ, जेड क्यूब यानी 55 यक्स वाई क्यूब जेड क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, यहाँ पर देखिए अंक 5 है 2 है, 5 दुनी 10, फिर है यक्स और वाई, यक्स कितना हो गया 6 3 9 यानी यक्स की घात 9 और वाई की घात कितना है 2 यानी 10 यक्स की घात 9 वाई की घात 2। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ जब गुणा किया जाता है, जब ब्रैकेट खोला जाता है तो पहले इसको पहले पद से गुणा करेंगे फिर दूसरे पद से, यानी 7 गुणे यक्स प्लस 7 गुणे 3, यानी जब ये ब्रैकेट का विस्तार करेंगे तो 7 गुणे यक्स और 7 गुणे 3 यानी ये हो जाएगा 7 यक्स प्लस 21, ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसी प्रकार यहाँ पर भी पहले माइनस का जो 6 लिखा है पहले इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, यानी 6 गुणे यम यानी 6m, फिर माइनस माइनस प्लस का 6 तिया 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ए बी की जब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी और पहले तो अंकों की गुणा करेंगे 3ab, अब इस देखो ए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, हो जाएगा स्क्वायर। फिर ए बी की जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5ab, देखिए ए बी ये ए बी स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए, देखिए 2x प्लस 3 की x प्लस 5 से जब गुणा करेंगे तो देखिए इसको तोड़ देते हैं, चाहे इसको इसके साथ लिख लें दोनों के साथ, या देखिए इसको ये जो 2x लिखा है इसको लिख लेंगे x प्लस 5 के, या कहिए x प्लस 5 की पहले 2x से गुणा करेंगे फिर x प्लस 5 की 3 से, फिर जो निशान लगा है लगा देंगे यानी प्लस का कितना 3, फिर कितना लिखेंगे x प्लस 5, देखिए 2x प्लस 3 लिखा है तो 2x यहाँ प्लस 3, यानी पहले 2x की पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे फिर प्लस के 3 की दोनों ब्रैकेट में गुणा करेंगे। अब देखिए 2x की इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की जब 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x, प्लस के 3 के जब x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 पंचे 15, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 3 11x प्लस का 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यक्स की दोनों के साथ गुणा करेंगे यानी यक्स प्लस 9 और ये जो माइनस का 7 है इसकी भी दोनों संख्याओं के साथ गुणा करेंगे। अब देखते हैं यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यक्स का जब 9 के साथ गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 7 नवा 63। अब देखिए यक्स स्क्वायर ये सजातीय पद है यानी 9x में से 7x गया यानी कितना बचा 2x, माइनस का 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 5x माइनस 6i 6y 4x माइनस 3y, तो सबसे पहले जो 5x है इसकी गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट, फिर जो माइनस का 6y है, माइनस का 6y इसकी गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट से। अब देखते हैं इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x 20x स्क्वायर माइनस 5 तिया 15xy माइनस का 6 चौक 24xy और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 6 तिया 18y स्क्वायर। अब देखिए ये जो बीच वाला पद है ये सजातीय पद है, कैसा पद है सजातीय, यानी इसमें जो x और y के पद हैं हमारे समान हैं, माइनस 15 माइनस का 24 तो ये हो गया माइनस का 41xy प्लस का 18y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यानी x प्लस ए x प्लस बी, तो देखिए x लिखेंगे x प्लस बी के साथ प्लस का a लिखेंगे x प्लस बी के साथ, यानी x प्लस ए को तोड़ देंगे x प्लस ए, अब x की x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बी, इधर भी ए एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इसमें कोई सजातीय पद नहीं है,
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ए एक्स और बी एक्स जोड़ेंगे तो लिख देंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के सर्वसमिका होने की जांच कीजिए। सर्वसमिका वो, देखिए समीकरण जो होता है उसमें एक्स या वाई का कोई एक निश्चित मान आता है जब उसको हम हल करते हैं, और सर्वसमिका क्या होता है, दुनिया की कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रखेंगे और दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाए तो उसे हम सर्वसमिका कहते हैं। अब कह रहा है कि सर्वसमिका होने की जांच कीजिए, तो हम मान लेते हैं एक्स बराबर तीन और वाई बराबर मान लेते हैं कुछ भी यानी पांच। ऐसा नहीं कि आप तीन या पांच ही रखे, कुछ भी मान लीजिए। तो हम पहला समीकरण ये रख लेते हैं, यानी x की जगह कितना तीन, y की जगह पांच, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर x की जगह कितना रखेंगे तीन का स्क्वायर प्लस दो गुणे x कितना है तीन गुणे y कितना है पांच प्लस वाई स्क्वायर यानी पांच का स्क्वायर। अब देखिए तीन और पांच कितना हो गया आठ, आठ का स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ, दो तीन छः पंचे तीस प्लस पाँच का स्क्वायर पच्चीस। अब देखिए आठ का स्क्वायर कितना होता है चौंसठ, और इधर भी जोड़ते हैं तो देखिए पच्चीस नौ चौंतीस, चौंतीस अड़तीस चौंसठ, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये वाला जो समीकरण है हमारा सर्वसमिका है। अब देखते हैं दूसरा वाला समीकरण, इसमें भी एक्स या वाई के मान कुछ भी रख लीजिए दुनिया का, यानी एक्स बराबर अगर दस रख लेते हैं, वाई बराबर कुछ भी मतलब अगर सात रख लेते हैं, तो देखते हैं सवाल है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई यानी x का मान 10 y का मान 7 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर यानी x का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई यानी गुणे में है तो 10 गुणे 7 प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब 10 में से 7 गया यानी 3, 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 गुणे 10 यानी दो दहम 20, 20 सत्तर 140 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 49। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ 100 ये प्लस का है और ये 49 प्लस का है तो कितना हो गया 149, 149 में से 140 गया यानी कितना बचा 9, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए सर्वसमिका वही होता है जिसमें दोनों पद अपने आप बराबर आ जाए, दुनिया की कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो। अतः हमारा सिद्ध हो गया कि ये जो दोनों फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो सवाल है ये सर्वसमिका होने की पुष्टि कर रहा है, अतः ये हमारे दोनों हल हैं। प्रश्न नंबर 12, सर्वसमिका का प्रयोग करके हमको इनका हल करना है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अगर स्टूडेंट लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संख्या में क्रम इनमें हम लगा सकते हैं यानी क्रम चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको हम लिखेंगे, यानी ये है पहला पद को a मान लेते हैं, दूसरे पद को बी मान लेते हैं, तो पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, यानी ए कितना हो गया दो एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, यानी टू ए कितना है दो एक्स और बी कितना है पांच प्लस बी स्क्वायर, यानी बी कितना है यहाँ पर ये ए है ये बी है, यानी बी कितना है हमारा पांच का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, दो एक्स यानी दो एक्स, दो एक्स गुणे दो एक्स तो कितना हो गया दो दुना चार एक्स स्क्वायर, यानी चार एक्स स्क्वायर प्लस दो दुना चार, दो दुना चार पंचे बीस एक्स प्लस पांच का स्क्वायर यानी 25, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको भी ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी बी कितना है हमारा तीन वाई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी दो एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस दो दुना चार तीन बारह एक्स वाई प्लस तीन वाई का स्क्वायर यानी तीन वाई गुड़े तीन वाई, तो ये हो गया तीन तीन नौ वाई स्क्वायर, यानी नौ वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14, एक्स माइनस सात का होल स्क्वायर, तो देखिए ये होता है ए, ए है बी, तो यानी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये सर्वसमिका का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी ए कितना है हमारा
यस देखिए, हमेशा अपने मुख से जो शब्द बोलेंगे ए ही बी ही बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे वही जो हमारा सवाल होगा। तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2a और b, माइनस का नहीं प्लस का बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x गुणे 7, यानी 2 से 14x, प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ये a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का 2ab, प्लस का होता है बी स्क्वायर, यानी 4n का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9m का होल स्क्वायर माइनस 2 3 6 4 24mn, प्लस का 4n का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 6 16n स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसको ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए, और ये इसको क्या मान लेंगे बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर यानी एम एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए फिर बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी एन वाई का होल स्क्वायर। अब इससे लिखेंगे एम एक्स गुड़े एम एक्स, यानी एम एक्स गुड़े एम एक्स, तो हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये लिखेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखिए 2mx ny, तो इसको लिख देंगे 2mn xy प्लस, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको देखिए, ये है a, ये है b, यानी a प्लस बी, ये है a, ये है b, a माइनस बी, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी लिखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी a कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी कितना है, 3x का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी अगर लिखा हो एक ब्रैकेट में तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और इसका जब स्क्वायर करेंगे यानी 3x गुणे 3x, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो लिखेंगे 9x स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सेम उसी प्रकार, ये a है ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a है ये b है, तो इसका भी सूत्र वही होता है ए स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे 4a, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस इधर 9b स्क्वायर, ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित को सरल कीजिए का पहला पॉइंट है ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी। तो देखिए सबसे पहले हम ए की जब इसमें गुणा करेंगे तो यानी पहले बी में करेंगे फिर सी में, तो पहले जब बी में करेंगे तो ए और बी की जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी, फिर ए की जब सी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का सी ए, सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लस का देखिए, इस बी की सी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी, और जब बी की ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए प्लस का यहाँ पर देखिए, सी से जब ए से गुणा करेंगे तो चाहे सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो फिर प्लस माइनस माइनस, बी की जब सी से गुणा करेंगे तो बी सी यानी बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो। अब देखते हैं अगर कोई इस पद कट रहा है तो काट देंगे, देखिए प्लस का ए बी है ये माइनस का ए बी से कट गया या घट गया कुछ नहीं बचेगा। फिर देखते हैं प्लस के बी सी में से माइनस का बी सी गया, और प्लस के सी ए में से माइनस का सी ए गया, यानी कुछ नहीं बचा यानी जीरो बचा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स का 2i से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy, फिर एक्स का इसमें जब गुणा करेंगे तो 3xz लिखो चाहे zx लिखो, फिर प्लस का 2 का 3z से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा y का 3z से करेंगे तो 3yz, और फिर y का जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2xy, फिर प्लस का यहां पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3zx, फिर 3z का यहां पर गुणा करेंगे तो माइनस का 3xyz। अब देखिए यहां पर अगर कोई पद कट रहा है तो काट देंगे, 2xy में से 2xy गया, प्लस का 3 माइनस का 3zx है, यहां पर प्लस का 3zx है कट गया, 3yz प्लस का ये माइनस का कितना आ गया हमारा जीरो, ये हमारा
आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 20, यदि यक्स प्लस 1 बटे यक्स बराबर 10 बटे 3, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो मान दिया हुआ हो, यक्स प्लस 1 बटे यक्स बराबर 10 बटे 3, अगर ध्यान रखना इधर क्यूब लाना हो तो घन करेंगे, अगर स्क्वायर लाना है तो वर्ग करेंगे। तो लिख देंगे यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 1 बटे यक्स का होल स्क्वायर, यानी इधर वर्ग कर देंगे उसी प्रकार इधर भी वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ए है ये बी है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का 2a गुणे बी कितना है 1 बटे यक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर जब करेंगे 10 बटे 3 का होल स्क्वायर, यानी 10 बटे 3 गुणे 10 बटे 3 तो कितना हो जाएगा दादा 100 बटे 9। अब देखिए यहाँ पर x से x गया कट, तो हमारा आ गया सिर्फ x स्क्वायर प्लस का 1 बटे x स्क्वायर बराबर 100 बटे 9। अब यहाँ पर जो है प्लस का 2 आएगा, 2 एकम 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, हर बराबर करने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा 9 से, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 2 18 बटे कितना 9, यानी ये हमारा आ गया 100 में से 18 जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 82 बटे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, यदि एक्स माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे एक्स माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 2। देखिए हमको स्क्वायर लाना है तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे एक्स माइनस 1 बटे एक्स, यानी इधर वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर जब स्क्वायर करेंगे यानी 3 बटे 2 3 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 9 बटे 4। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, ये एक्स एक्स गया कट, ये माइनस का 2 आ गया, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9 बटे 4 प्लस का 2। अब ये तो है नहीं कि ऊपर ऊपर जोड़ दें 9 2 11 बटे 4, नहीं, इसके नीचे 1 मानेंगे फिर हर बराबर करेंगे यानी 4 से गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 9 2 6 2 8 बटे कितना 4, यानी 9 8 17 बटे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, दिखाइए कि पहला पॉइंट है ए 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बराबर होगा 16n 16/n 9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। तो देखिए ये लिखा है 4/3 का m, तो इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, तो सबसे पहले हम लिखते हैं a बटे, यानी इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस क्या होता है ये लिखेंगे b स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर जो लिखा है लिख देंगे 2mn। अब देखिए 4/3m 4/3m में हो जाएगा 16 बटे, देखिए 4/3m गुणे 4/3m यानी 4 चक्कू 16/9m स्क्वायर 16/9m स्क्वायर प्लस इधर 3/4 3/4 3/4 3 9/16n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया हमारा 2mn माइनस, ये प्लस का 2mn माइनस का 2mn, ये गया कट, हमारा सिर्फ बचा कितना 16m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर जो हमको लाना था। अब देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट बी, 4mn स्क्वायर 4mn + 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn - 3n का होल स्क्वायर बराबर 48mn स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं तो ये है a और ये है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए और ये बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हमारा पहला ब्रैकेट हल होगा। फिर इस यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे माइनस लिखा है तो माइनस का टू ए बी ब्रैकेट बंद। देखिए अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चक्कू 16 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 एन स्क्वायर, प्लस का ये हो जाएगा 2 चक्कू 8 त्रुक 24 24 एम एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट भी खोलना है, इसको हल भी करना है, तो ये हो जाएगा 16 एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अभी माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आएगा प्लस का, लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 एन स्क्वायर। अभी आएगा किसका, माइनस का आएगा 2 चक्कू 8 त्रुक 24, लेकिन लिखेंगे किससे, प्लस से 48 24 एम एन स्क्वायर। देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का सेम सेम कट गया, 24 एम एन स्क्वायर 24 एम एन स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 48 एम एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए बी माइनस सी बी प्लस सी और सी माइनस ए सी प्लस ए, इसको हल करने पर बराबर 0 हमको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये सूत्र बन गया, देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और वही सेम चीज यहाँ पर है ए माइनस बी, बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर ये ए है ये बी है, देखिए ए बी यानी सेम, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो ये होता है पहले पद को ए मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर ये ए है ये बी है, ए बी यानी प्लस और माइनस, देखिए तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ए कट गया, प्लस माइनस है, ये बी स्क्वायर प्लस का है, सी बी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का सी स्क्वायर है, यानी कितना आ गया हमारा 0, अतः हमको 0 ही लाना था। दक्षता अभ्यास एट द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।